मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू भजिए यानी आलू के पकोड़े। मैंने आलू को छील लिया है, अब हम इसकी स्लाइस कर लेंगे। आलू की स्लाइस करने के लिए मैं इस तरह का स्लाइसर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से हमारे आलू की थिकनेस एक जैसी रहेगी। अगर आप हाथ से आलू की स्लाइस करते हो तो वो कभी मोटे और पतले हो जाते हैं। स्लाइस करने के बाद हम स्लाइस को पानी में ऐड करेंगे, वरना हमारी स्लाइस काली हो जाएगी। आलू भजी का बैटर बनाने के लिए हम बेसन में सारे मसाले ऐड करेंगे। राइस फ्लावर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, अजवाइन, सोडा, पाउडर शुगर और सॉल्ट, और सारी ड्राई सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जरूरत के मुताबिक पानी ऐड करते हुए स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पकौड़े का बैटर तैयार है। मैंने 1 कप बेसन में 3/4 कप पानी इस्तेमाल किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए हम तेल को मीडियम आंच पे गर्म होने रखेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए हम बैटर में पोटैटो चिप्स को इस तरह से डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। भजी को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। भजी अच्छे से फ्राई होके तैयार है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे भजी को तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म आलू के पकौड़े चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।